आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है, C4 पादपों में संवहन बंडल के चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी बंडल अच्छद का क्या कार्य है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो C4 पादप होते हैं इनमें संवहन बंडल के चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी जो बंडल अच्छद कोशिका होती है, इसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, जो C4 पादप होते हैं, ठीक है, ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है, इसका प्रथम स्थायी उत्पाद, ठीक है, क्या होता है? प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का होता है। इसे पादपों कहा जाता है C4 पादप। और इन C4 पादपों में क्या पाई जाती है? क्रेंज शारीरिकी, ठीक है, इनमें उपस्थित होती है। और क्रेंज शारीरिकी में क्या होता है? तो दोस्तों, क्रेंज शारीरिकी में जो संवहन बंडल होते हैं इसके चारों ओर, ठीक है, संवहन बंडल के चारों ओर क्या पाया जाता है? पुलाच्छद कोशिकाओं का, ठीक है, पुलाच्छद कोशिकाओं का घेरा उपस्थित होता है, ठीक है। और यह पुलाच्छद कोशिकाएं, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है, एक तो पुलाच्छद कोशिकाएं और पर्ण मध्योतक, ठीक है, कोशिकाएं, ठीक है, क्या होती है? पुलाच्छद कोशिकाएं और पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। जो बंडल शीत कोशिकाएं होती है इनका, यह क्या होती है? इनके अंदर ग्रेना अनुपस्थित होता है, ठीक है, इनमें ग्रेना नहीं पाया जाता है, जबकि पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती है इनमें ग्रेना, ठीक है, क्या होता है? उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनका आकार जो है कैसा होता है? पुलाच्छद कोशिकाओं का बड़ा होता है, जबकि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का आकार जो है यह छोटा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, बड़ा आकार होने के कारण इसमें क्या होता है? पुलाच्छद कोशिकाओं में होती है C3 चक्र यहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है। और जो क्या होती है? बंडल शीत कोशिकाएं होती है, ठीक है, इनमें C3 चक्र, और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्या होता है? C4 चक्र यहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर हम विकल्पों की, तो पहला है संवहन ऊतक को उच्च प्रकाश तीव्रता से बचाना। तो दोस्तों, यह कार्य जो है बंडल अच्छद कोशिकाओं का नहीं होता है C4 पादपों में, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रकाश श्वसन के लिए पथ, प्रकाश श्वसन पथ के लिए स्थल प्रदान करना। दोस्तों, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश श्वसन में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति होती है। इसके बाद तीसरा है केल्विन चक्र के संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना। तो दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। C4 पादपों में जो बंडल, जो क्या होता है? संवहन बंडल होता है, इसके चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी बंडल अच्छद कोशिकाएं जो होती है, यह में C4 चक्र संपन्न होता है, और इसके लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को यह क्या होता है? बढ़ाता है। और चौथा आखिरी विकल्प है पौधे को उच्च तापमान सहने की शक्ति देना। तो यह बंडल शीत कोशिकाओं का कार्य नहीं होता, तो सही उत्तर है तीसरा विकल्प। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।